कलर्स टीवी पर लौट रहा है कलर्स का सबसे पॉपुलर शो ससुराल सिमर का, और इसी शो के साथ लौट रही हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम भी उर्फ सिमर। दर्शकों का दिल जीतने और फिर एक बार सभी को एंटरटेन करने ये शो और इसकी पूरी स्टारकास्ट लौट रही है, लेकिन इसकी स्टारकास्ट में कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं। जयति भाटिया और दीपिका कक्कर इब्राहिम यानी माताजी और सिमर के साथ अब कुछ और नाम, नए नाम इस शो में शामिल होने वाले हैं, और इन सब में सबसे पहले नाम आया था राधिका मुत्तुकुमार का। राधिका मुत्तुकुमार है इस शो का सबसे खास एडिशन। छोटी सिमर उर्फ सिमर की परछाई यानी नई बहू बनकर आएंगी राधिका मुत्तुकुमार, और दीपिका कक्कर का किरदार यानी सिमर ही राधिका के किरदार को इंट्रोड्यूस करने वाला है शो के अंदर। और अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि राधिका के बाद अब सलमान शेख, जी हाँ टीवी के पॉपुलर एक्टर सलमान शेख भी ससुराल सिमर का 2 का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले सलमान शेख ने आरंभ क्या कसूर है अमला का, अघोरी, इस तरह की टीवी शोज में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया था, और अब सलमान शेख को ससुराल सिमर का के मेकर्स ने अप्रोच किया है इस सीजन का हिस्सा बनने के लिए। बता दें आपको कि अगर सलमान शेख ये शो करते हैं तो वो एक नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे, यानी कि एक विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और वो सिमर या फिर राधिका किसी की भी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करते नजर आ सकते हैं शो के अंदर। वैसे अगर बताऊं तो अब तक सलमान शेख ने खुद अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल या फिर मीडिया इंटरेक्शन में इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन भाई दोस्तों ये खबर तो पक्की है कि बहुत जल्द हम सलमान शेख को ससुराल सिमर का 2 की कास्ट के साथ देख सकेंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं सलमान को इस शो में देखने के लिए, कॉमेंट जरूर करें।